नमस्कार दोस्तों, मैं अशोक सैनी आपका हार्दिक स्वागत करता हूं, अभिनंदन करता हूं। दोस्तों, आज हम जिस टॉपिक के बारे में बात करने वाले हैं वो टॉपिक है हमारा भाषा एवं बोलियां। दोस्तों, भाषा एवं बोलियों से रिलेटेड क्वेश्चन किस तरह के एग्जाम में बनते हैं, किस तरह से हम इस पूरे टॉपिक को पढ़ेंगे और कौन कौन से क्वेश्चन है जो यहां से निकल सकते हैं, उनके बारे में आज विस्तार से हम जानेंगे कि हमारे राजस्थान की भाषा एवं बोलियां क्या है, इसका सामान्य परिचय क्या है, बेसिक क्या है, या फिर हमारे पश्चिमी राजस्थान की कौन सी मुख्य बोली है, हमारे मध्य पूर्वी राजस्थान की कौन सी मुख्य बोली है, हमारे राजस्थान पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है, तो दक्षिण पूर्वी राजस्थान की मुख्य बोली कौन सी है। आज हम सारी बोलियों पर, उसके बाद जो उनकी उपबोलियां हैं उन पर, वो कहाँ कहाँ बोली जाती है, उन बोलियों की क्या क्या विशेषताएं हैं, इन सारे बिंदुओं पर आज हम चर्चा करने वाले हैं। तो दोस्तों, आज हमारा जो टॉपिक है वो है राजस्थान की भाषा एवं बोलियां, राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। आज इस वीडियो में हम राजस्थान की भाषा एवं बोलियों का जो सामान्य है उसको देखेंगे, क्या क्या सामान्य परिचय है इसका, क्या सामान्य परिचय से क्वेश्चंस आते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहली चीज यह है, सामान्य परिचय की अगर हम बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है, पहली चीज। क्वेश्चन है 1961 की गणना के अनुसार या जनगणना के अनुसार राजस्थान में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है। नेक्स्ट है, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? और उसकी लिपि कौन सी है और उसे किस नाम से जाना जाता है। तो नेक्स्ट है कि राजस्थान की राजभाषा कौन सी, राजस्थान की राजभाषा कौन सी है। फिर है विश्व में भाषाओं की दृष्टि से, विश्व में भाषाओं की दृष्टि से राजस्थानी का कौन सा स्थान है। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो विश्व में भाषाओं की दृष्टि से राजस्थानी का कौन सा स्थान है, तो फिर भारत में भाषाओं की दृष्टि से दृष्टि से राजस्थानी का स्थान कौन सा, विश्व में भाषाओं की दृष्टि से राजस्थानी का स्थान कौन सा है, भारत में भाषाओं की दृष्टि से राजस्थानी का स्थान कौन सा। दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल कितनी बोलियां बोली जाती है, तो इसका आंसर होगा 84। इसका आंसर होगा दोस्तों 84 बोलियां राजस्थान में कुल बोली जाने वाली बोलियां कितनी है, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार 84। तो दोस्तों, 1961 की गणना के अनुसार कितनी बोली जाती है, तो आंसर होगा 73 बोलियां। कितनी बोलियां, 73 बोलियां। दोस्तों, क्वेश्चन है राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, तो हमारे राजस्थान की मातृभाषा है दोस्तों राजस्थानी। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है, राजस्थानी। तो आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि इस राजस्थानी की
लिपि कौन सी है, राजस्थानी की लिपि कौन सी है? तो ध्यान रखना दोस्तों, हमारी जो राजस्थानी है इसकी लिपि है मुंडिया लिपि। कौन सी लिपि है? मुंडिया लिपि। तो फिर क्वेश्चन पूछेगा मुंडिया लिपि को और किस नाम से जाना जाता है, तो इस मुंडिया लिपि को ही कहा जाता है बणियाणवी। मुंडिया लिपि को कहा जाता है बणियाणवी, या इसी को कहा जाता है महाजनी। मुंडिया लिपि को कहा जाता है बणियाणवी और इसी को कहा जाता है महाजनी। दोस्तों इस मुंडिया लिपि को बणियाणवी या महाजनी क्यों कहते हैं? इसको बणियाणवी या महाजनी इसलिए कहते हैं क्योंकि ये लकीर घसीट कर लिखी जाती है। कैसे लिखी जाती है? लकीर घसीट कर लिखी जाती है, इसीलिए इसे बणियाणवी या महाजनी कहते हैं। आपने देखा होगा दोस्तों जो बणिया होते हैं, यानी जो किराना स्टोर की दुकान वगैरह करते हैं, वहां आप कभी अगर गए हो बणिया की दुकान पर, तो आपने वहां जाकर देखा होगा जब हम कोई भी चीज मांगते हैं उससे, भाई एक किलो शक्कर दे दे, एक किलो एक किलो गुड़ दे दे, एक किलो बेसन दे दे, एक किलो आटा दे दे, हम जो भी मांगते हैं, तो वो जब लिखता है तो ध्यान रखना हिंदी में लिखता है, उसके बाद उसके आगे लकीर घसीट देता है। इसीलिए ये भी कैसे लकीर घसीट कर लिखी जाती है, इसलिए इसको नाम दे दिया बणियाणवी या महाजनी। तो राजस्थान की राजभाषा जिसमें हमारे राजस्थान का राजकीय कार्य चलता है वो कौन सी भाषा में चलता है? तो राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? तो ध्यान रखना दोस्तों हमारे राजस्थान की राजभाषा है हिंदी। राजस्थान की राजभाषा कौन सी है? हिंदी। अब क्वेश्चन है दोस्तों, विश्व में, पूरे विश्व में भाषाओं की दृष्टि से हमारी राजस्थानी का स्थान कौन सा है? तो पूरे विश्व में भाषाओं की दृष्टि से हमारा राजस्थानी का स्थान है 16वां। तो दोस्तों फिर क्वेश्चन है कि पूरे भारत में भाषाओं की दृष्टि से राजस्थानी का कौन सा स्थान है? तो भाषाओं की दृष्टि से हमारे पूरे भारत में राजस्थानी का जो स्थान है वो है 7वां स्थान। कौन सा स्थान है? 7वां स्थान। ध्यान रखना दोस्तों, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, हम पढ़ रहे हैं भाषा एवं बोलियां, और भाषा एवं बोलियों की अगर सामान्य परिचय की बात करें तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल 84 बोली बोली जाती है, जबकि अगर मैं बात करूं 1961 की गणना की तो 1961 की गणना के अनुसार कुल 73 बोलियां बोली जाती है। दोस्तों राजस्थान की अगर हम मातृभाषा की बात करें तो वो राजस्थानी है जिसकी लिपि मुड़िया लिपि है, और ये मुड़िया लिपि लकीर घसीट कर लिखी जाती है, इसलिए इसे नाम दिया गया बणियाणवी या महाजनी। पूरे विश्व की अगर हम बात करें तो पूरे विश्व में भाषाओं की दृष्टि से राजस्थानी का स्थान 16वां है, और अगर हम भारत की बात करें तो भारत में भाषाओं की दृष्टि से राजस्थान के स्थान कौन सा है? 7वां। अगर आगे और हम इसके परिचय की बात करें तो देखो दोस्तों और इसका इससे आगे क्या परिचय है, तो देखिए उद्योतन सूरी, उद्योतन सूरी ने, उद्योतन सूरी, इस उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है दोस्तों, उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ है और ग्रंथ का नाम है कुबले माला। उद्योतन सूरी का एक ग्रंथ जिसका नाम है कुबले माला, और इस कुबले माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया। यह क्वेश्चन ध्यान रखना, वीडियो एग्जाम में भी पूछा जा चुका है कि उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबले माला में कुल कितनी देशी भाषाओं का उल्लेख किया। तो ध्यान रखना उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबले माला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया, और 18 देशी भाषाओं, उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबले माला में 18 देशी भाषाओं में, भाषाओं में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख किया, मरु भाषा का उल्लेख किया है। ध्यान रखना दोस्तों उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबले माला में, यह उद्योतन सूरी जो था प्रतिहार शासक वत्सराज का दरबारी विद्वान था, और इस उद्योतन सूरी ने कुबले माला ग्रंथ में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें से हमारी मरु भाषा का क्या किया है? उल्लेख। अगर मैं बात करूं कुशल लाभ की, कुशल लाभ, कुशल लाभ की, तो कुशल लाभ ने अपने ग्रंथ में, और कुशल लाभ का ग्रंथ कौन सा है? कुशल लाभ का ग्रंथ है पिंगल शिरोमणि। अगर मैं बात करूं अबुल फजल की, तो अबुल फजल का ग्रंथ है आईने अकबरी।
उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबल्यामाला में 18 देशी भाषाओं में मरु भाषा का उल्लेख किया है, जबकि कुशल लाभ ने पिंगल सरोमणी में और अबुल फजल ने आईने अकबरी में सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का क्या किया है प्रयोग। तो फिर राजस्थानी शब्द का प्रयोग किसने किया, तो ध्यान रखना दोस्तों 1912 में। कब? 1912 में। 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक और इसकी पुस्तक कौन सी है, तो लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, दी लिंग्विस्टिक सर्वे, दी लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का उल्लेख किया है। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का क्या किया है, उल्लेख किया है। ध्यान रखना दोस्तों मरुभाषा शब्द का उल्लेख किया उद्योतन सूरी ने कुबल्यामाला में 18 देशी भाषाओं में, कुशल लाभ ने पिंगल सिरोमणि में, अबुल फजल ने आईने अकबरी में सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया। 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है और राजस्थानी भाषा को बारोपीय भाषा परिवार में रखा गया है। राजस्थानी भाषा को भाषा विज्ञान के अंतर्गत भारोपीय भाषा परिवार में रखा गया। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा को भाषा विज्ञान के अंतर्गत भारूपीय भाषा परिवार में रखा गया है। तो ध्यान रखना दोस्तों उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबल्यामाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया, जिसमें सर्वप्रथम मरु भाषा शब्द का प्रयोग किया, कुशल लाभ ने पिंगल सिरोमणि में, अबुल फजल ने आईने अकबरी में सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। तो 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की एक पुस्तक है जिसका नाम था लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया, इसमें इन्होंने सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का प्रयोग किया है और राजस्थानी भाषा को भाषा विज्ञान के अंतर्गत अगर मैं बात करूं तो किस भाषा परिवार में रखा गया है, वो है भारूपीय भाषा परिवार। किस भाषा परिवार में रखा गया है, भारूपीय भाषा परिवार में। अब दोस्तों राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष क्या है, किस तरह से हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, अगर उस बात पर हम चर्चा करें तो देखो सबसे पहले राजस्थानी भाषा का वंश वृक्ष। अगर मैं राजस्थानी भाषा के वंश वृक्ष की बात करूं तो किस तरह से हमारी राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति हुई, तो देखो दोस्तों सबसे पहले ऐसा कहते हैं कि हमारे यहां जो भाषा आई वो है भारूपीय भाषा। और भारूपीय भाषा से जो भाषा निकली वो है आर्य भाषा। भारूपीय भाषा से कौन सी भाषा आई, आर्य भाषा। और इस आर्य भाषा से फिर दो भाषाएं निकली, एक तो है पाली। आर्य भाषा से फिर दो भाषाएं निकली, एक तो है पाली और दूसरी जो भाषा निकली वो है संस्कृत। पाली और दूसरी जो भाषा निकली वो है संस्कृत। दोस्तों ध्यान रखना इस पाली भाषा से जो भाषा निकली वो है सौर सैनी प्राकृत भाषा। पाली से जो भाषा निकली वो है
सौर सैनी, सौर सैनी प्राकृत भाषा, कौन सी भाषा निकली? सौर सैनी प्राकृत भाषा। और इस सौर सैनी प्राकृत भाषा से जो भाषा निकली दोस्तों, ध्यान रखना, इससे दो भाषाएं निकली थी। सौर सैनी प्राकृत भाषा से कितनी भाषा निकली है? दो भाषाएं निकली, दो भाषाएं निकली। एक तो है गुजर अपभ्रंश, एक तो है गुजर अपभ्रंश, गुर्जर अपभ्रंश और दूसरी है सौर सैनी अपभ्रंश, दूसरी है सौर सैनी अपभ्रंश। सौर सैनी अपभ्रंश, और ध्यान रखना दोस्तों, इस गुजर अपभ्रंश से जिस भाषा की उत्पत्ति हुई वो है हमारी राजस्थान। और राजस्थानी भाषा, तो वंश वृक्ष की अगर मैं बात करूं तो सबसे पहले हमारे यहां जो भाषा थी वो थी भारोपीय भाषा। भारोपीय भाषा से जो भाषा आई वो है आर्य भाषा। आर्य भाषा से दो भाषाएं निकली, पाली और संस्कृत भाषा। पाली से जो निकली वो सौर सैनी प्राकृत भाषा। और दोस्तों सौर सैनी प्राकृत भाषा से दो भाषाएं आई, एक तो है गुजर अपभ्रंश और दूसरी है सौर सैनी अपभ्रंश। और दोस्तों गुजर अपभ्रंश से जो भाषा निकली है वो है राजस्थानी भाषा। कौन सी भाषा है? राजस्थानी भाषा। एक बार स्क्रीनशॉट लो, देखिए सौर सैनी अपभ्रंश से निकली राजस्थानी भाषा। लेकिन दोस्तों हम ये कह सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, हम ये लिख सकते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति, भाषा की उत्पत्ति बारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में सौर सैनी प्राकृत भाषा के सौर सैनी प्राकृत भाषा के गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। तो दोस्तों राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे मानी गई है? तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में सौर सैनी प्राकृत भाषा के किस अपभ्रंश से मानी गई है? गुजर अपभ्रंश से। लेकिन अलग अलग भाषाविदों में इसकी उत्पत्ति को लेकर अलग अलग मतभेद बना हुआ है। दोस्तों क्या मतभेद बना हुआ है एक बार वापस से देख लो। भाषा राजस्थानी भाषा के वंश वृक्ष की बात करें तो सबसे पहले भारोपीय भाषा ही, उसे आर्य भाषा, आर्य भाषा से पाली, पाली से संस्कृत, इसके बाद संस्कृत पाली से सौर सैनी प्राकृत, इससे इससे निकली गुजर अपभ्रंश और सौर सैनी अपभ्रंश और गुजर अपभ्रंश से राजस्थानी भाषा। तो राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति बारहवीं शताब्दी के अंतिम चरण में सौर सैनी प्राकृत भाषा के किस अपभ्रंश से हुई है? गुजर अपभ्रंश से। लेकिन अगर हम मतभेद की बात करें तो अलग अलग भाषाविदों ने अलग अलग मतभेद है, अलग अलग तरह से उत्पत्ति बताई है। जैसे क्या क्या भाषाविदों में मतभेद है, तो सबसे पहले मैं बात करूं जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन, अगर हम बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन की, तो जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने ग्रियर्सन के अनुसार, जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन व इनके साथ एक और है पुरुषोत्तम लाल मेनारिया, पुरुषोत्तम लाल मेनारिया। अगर हम बात करें जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन व पुरुषोत्तम लाल मेनारिया की, तो इन दोनों के अनुसार, इन दोनों का क्या कहना है, इन दोनों के अनुसार राजस्थानी भाषा की जो उत्पत्ति हुई है वो नागर या नागरा अपभ्रंश से हुई है। इन दोनों का यह मानना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है? नागर या नागरा अपभ्रंश से। तो अगर मैं बात करूं के एम मुंशी, व मोतीलाल
मेनारिया की, के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया की अगर मैं बात करूं तो के एम मुंशी व मोतीलाल मेनारिया के अनुसार, के एम मुंशी व मोतीलाल मेनारिया के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश से हुई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों टैसी टोरी की, टैसी टोरी व टैसी टोरी के बाद महावीर प्रसाद शर्मा, शर्मा की, तो इन दोनों के अनुसार, इन दोनों के अनुसार राजस्थानी की जो उत्पत्ति हुई है वो सौर सैनी अपभ्रंश हुई। अगर मैं बात करूं सुनीति कुमारी चटर्जी की, सुनीति कुमारी चटर्जी की, तो सुनीति कुमारी चटर्जी के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति सौराष्ट्री, सौराष्ट्री अपभ्रंश हुई है। अगर मैं बात करूं दोस्तों राजस्थानी भाषा दिवस की, कि राजस्थानी भाषा दिवस कब मनाया जाता है, तो राजस्थानी भाषा दिवस जो मनाया जाता है वो मनाया जाता है 21 फरवरी। दोस्तों अलग अलग भाषाविदों ने हमारे राजस्थानी भाषा के बारे में अलग अलग अपने मत दिए और अलग अलग भाषाविदों के अनुसार राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति अलग अलग तरह से हुई है। जॉर्ज अब्राहम गिरियर सर ये कहते हैं और इन्हीं के साथ पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति नागरा अपभ्रंश हुई है, जबकि के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया का ये मानना है कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुर्जर अपभ्रंश हुई है। अगर हम बात करें टैसी टोरी और महावीर प्रसाद शर्मा की, तो इनका यह कहना है कि राजस्थानी की उत्पत्ति सौर सैनी अपभ्रंश हुई है। अगर मैं बात करूं सुनीति कुमारी चटर्जी की, तो इनका यह कहना है कि राजस्थानी की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश हुई है। अगर हम बात करें राजस्थानी भाषा दिवस की, तो दोस्तों 21 फरवरी को राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है। दोस्तों अगर हम बात करें कि भाई हमारा विश्व में, पूरे विश्व में 16वां स्थान है हमारे राजस्थान, भारत में 7वां स्थान हमारी राजस्थानी रखती है, 16वां स्थान विश्व में है, 7वां स्थान हमारे भारत में है, तो ऐसी स्थिति में फिर हमारी जो 8वीं अनुसूची है राष्ट्रीय भाषा मान्यता प्राप्त भाषाओं से रिलेटेड, उस 8वीं अनुसूची में या राष्ट्रीय भाषाओं महत्वपूर्ण भाषाओं में हमारी राजस्थानी भाषा को शामिल क्यों नहीं किया गया है। दोस्तों इसके पीछे एक कारण है, क्योंकि हर भाषा का अपना एक व्याकरण होता है। आप किसी भी भाषा पर जाओगे, हिंदी का अपना व्याकरण है, इंग्लिश का अपना व्याकरण है, गुजराती का अपना व्याकरण है, सिंधी भाषा का अपना व्याकरण है, हर भाषा का, संस्कृत का अपना व्याकरण है, हर भाषा का अपना अपना एक कोई ना कोई व्याकरण है, लेकिन हमारी राजस्थानी का व्याकरण नहीं है। राजस्थानी का व्याकरण नहीं होने के कारण ही हमारी राजस्थानी को अभी राष्ट्रीय भाषा का दर्जा नहीं मिल पाया। दोस्तों ध्यान रखना, अभी हमारी राजस्थानी के व्याकरण का निर्माण कार्य चल रहा है, हमारे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार हो चुका है और व्याकरण का लेखन कार्य भी चल रहा है, और हो सकता है अति शीघ्र हमारी राजस्थानी का व्याकरण कंप्लीट हो जाए और हमें भी राष्ट्रीय भाषा का क्या मिल जाए, दर्जा। और जो व्यक्ति राजस्थानी भाषा के शब्दकोश को जिसने तैयार किया है, वही व्यक्ति राजस्थानी भाषा के व्याकरण को तैयार कर रहा है, और वो कौन है, तो ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार करने वाला जो व्यक्ति है वो है डॉक्टर सीताराम लालस। कौन है? डॉक्टर सीताराम लालस। दोस्तों इसने राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। तथा राजस्थानी भाषा के व्याकरण का भी लेखन कार्य
इन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। राजस्थानी शब्दकोश इन्होंने तैयार कर दिया है, राजस्थानी भाषा के व्याकरण का लेखन कार्य भी इनके द्वारा किया जा रहा है। दोस्तों ध्यान रखना, अगर मैं बात करूं राजस्थानी के कालक्रम, राजस्थानी भाषा का कालक्रम, राजस्थानी भाषा का कालक्रम क्या रहा, अगर हम इसके कालक्रम की बात करें तो इसको चार कालक्रमों में बांटा है। राजस्थानी भाषा को चार कालक्रमों में बांटा है। राजस्थानी भाषा को कितने कालक्रमों में बांटा है? चार। और अगर चार कालक्रमों की बात करें तो कौन कौन से? तो सबसे पहला आता है दोस्तों गुर्जर अपभ्रंश का समय। उसके बाद में है दोस्तों प्राचीन राजस्थान। उसके बाद में है मध्य राजस्थान। उसके बाद में है अर्वाचीन राजस्थान। अब दोस्तों इनका कालक्रम क्या बताया है? तो देखो गुर्जर अपभ्रंश का जो कालक्रम बताया है वो क्या बताया है? तो दोस्तों गुर्जर अपभ्रंश का जो कालक्रम है वो ध्यान रखना 11वीं शताब्दी से 13वीं शताब्दी तक। प्राचीन राजस्थानी का क्या समय है? तो 13वीं शताब्दी से 16वीं शताब्दी तक। तो मध्य राजस्थानी का क्या समय है? 16वीं शताब्दी से 18वीं शताब्दी तक। तो अर्वाचीन राजस्थानी का क्या समय है? 18वीं शताब्दी से। अब तक का जो समय माना गया है वो अर्वाचीन राजस्थानी का माना गया। तो ध्यान रखना सीताराम लालस ने दोस्तों राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार किया है। राजस्थानी भाषा का व्याकरण का लेखन कार्य भी किसके द्वारा किया जा रहा है? सीताराम लालस के द्वारा। राजस्थानी भाषा के कालक्रम को दोस्तों ध्यान रखना हमने चार कालक्रमों में बांटा है। और चार कालक्रम कौन कौन से हैं? तो गुर्जर अपभ्रंश, प्राचीन राजस्थानी, मध्य राजस्थानी और वर्तमान या आधुनिक राजस्थानी। गुर्जर अपभ्रंश का समय काउंट होता है 11वीं से 13वीं शताब्दी तक। मध्य प्राचीन राजस्थानी का समय माना गया 13वीं से 16वीं शताब्दी तक। मध्य राजस्थानी का समय माना गया 16वीं से 18वीं शताब्दी तक। अर्वाचीन राजस्थानी का समय माना गया है 18वीं शताब्दी से अब तक। दोस्तों इससे आगे राजस्थान की जो राजस्थानी भाषा है उसकी कौन कौन सी शैलियां हैं, डिंगल क्या है, पिंगल क्या है, और फिर हमारे राजस्थान की कौन कौन सी बोलियां हैं, उनकी क्या उपबोलियां हैं, उन बोलियों की क्या क्या विशेषता है, राजस्थान की सबसे कर्णप्रिय बोली कौन सी है, मधुर बोली कौन सी है, कर्कश बोली कौन सी है, कठिन बोली कौन सी है, इन पर और चर्चा करने के लिए हम नेक्स्ट वीडियो में पढ़ेंगे। एक बार जो आज जो पढ़ा उसको मैं 5 मिनट में वापस से आपको एक बार रिविजन करवा देता हूं। देखिए हमने स्टार्ट किया राजस्थान की भाषा एवं बोलियां। जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन के अनुसार हमारे राजस्थान में कुल 84 बोलियां बोली जाती है, जबकि बात करें हम 1961 की गणना की तो 73 बोलियां बोली जाती है। राजस्थान की मातृभाषा कौन सी है? तो राजस्थान की मातृभाषा राजस्थानी है, जिसकी लिपि है मुड़िया। इसे बनियान भी या महाजनी भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि ये लकीर घसीट कर लिखी जाती है। जबकि राजस्थान की राजभाषा की बात करें तो वो है हिंदी। राजस्थान में विश्व में भाषाओं की दृष्टि से हमारी राजस्थानी के जो स्थान है वो 16वां स्थान है, जबकि भारत में भाषाओं की दृष्टि से हमारे राजस्थानी का कौन सा स्थान है? हमारे राजस्थानी का स्थान है दोस्तों कौन सा? 7वां। अगर हम बात करें उद्योतन सूरी की तो उद्योतन सूरी ने अपने ग्रंथ कुबलयमाला में 18 देशी भाषाओं का उल्लेख किया है, जिनमें मरु भाषा का भी उल्लेख किया है। ध्यान रखना कुशल लाभ ने पिंगल सरोमणी में, अबुल फजल ने आईने अकबरी में सर्वप्रथम मारवाड़ी शब्द का प्रयोग किया है। तो 1912 में जॉर्ज अब्राहम ग्रियर्सन ने अपनी पुस्तक लिंग्विस्टिक सर्वे ऑफ इंडिया में सर्वप्रथम राजस्थानी शब्द का क्या किया है? उल्लेख, राजस्थानी भाषा का उल्लेख किया है। राजस्थानी भाषा को भाषा विज्ञान के अंतर्गत हमने भारूपीय भाषा परिवार में रखा है। और मैं अगर बात करूं राजस्थानी भाषा के वंश वृक्ष की तो सबसे पहले भारूपीय भाषा आई, भारूपीय भाषा से आर्य भाषा आई, आर्य भाषा से दोस्तों दो भाषाएं
निकली? पाली और संस्कृत। पाली से जो भाषा निकली वो है सौरसेनी प्राकृत भाषा, और सौरसेनी प्राकृत भाषा से फिर दो भाषाएं निकली, गुजर अपभ्रंश और सौरसेनी अपभ्रंश। और इस गुजर अपभ्रंश से जो भाषा की उत्पत्ति हुई वो है हमारी राजस्थानी। ध्यान रखना दोस्तों, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति 12वीं शताब्दी के अंतिम चरण में सौरसेनी प्राकृत भाषा के गुजर अपभ्रंश से मानी गई है। लेकिन भाषा की उत्पत्ति के संदर्भ में अलग अलग भाषाविदों में अलग अलग मत बना हुआ है। क्या मत है तो देखिए दोस्तों, अलग अलग भाषाविद क्या कहते हैं, तो जॉर्ज अब्राहम गिरिसन और पुरुषोत्तम लाल मेनारिया ये कहते हैं कि राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति किससे हुई है, नागरा अपभ्रंश हुई है। जबकि दोस्तों ध्यान रखना, के एम मुंशी और मोतीलाल मेनारिया का ही कहना है कि नहीं, राजस्थानी भाषा की उत्पत्ति गुजर अपभ्रंश हुई है। वहीं पर टैसिटोरी और महावीर प्रसाद शर्मा का यह कहना है कि राजस्थानी की उत्पत्ति सौरसेनी अपभ्रंश हुई है। सुनीति कुमारी चटर्जी की अगर अपन बात करें तो सुनीति कुमारी चटर्जी के अनुसार राजस्थानी की उत्पत्ति सौराष्ट्रीय अपभ्रंश हुई है। अगर हम बात करें हमारे राजस्थानी भाषा के दिवस की, तो ध्यान रखना दोस्तों कब मनाया जाता है, तो हमारा राजस्थानी भाषा दिवस मनाया जाता है 21 फरवरी को। दोस्तों राजस्थानी भाषा का व्याकरण कौन तैयार कर रहा है, शब्दकोश किसने तैयार किया, तो ध्यान रखना सीताराम लालस, डॉक्टर सीताराम लालस जो है उन्होंने हमारे राजस्थानी भाषा का शब्दकोश तैयार कर दिया है। और ध्यान रखना दोस्तों हमारे राजस्थानी भाषा का जो व्याकरण का लेखन कार्य है वो भी किसके द्वारा किया जा रहा है, सीताराम लालस के द्वारा। और हो सकता है अतिशीघ्र हमारे व्याकरण का लेखन कार्य कंप्लीट हो और हमें राजस्थानी भाषा को राष्ट्रीय भाषा का दर्जा मिले। राजस्थानी भाषा को चार कालक्रमों में हमने बांटा दोस्तों, कौन कौन से है, तो एक तो है गुजर अपभ्रंश, एक प्राचीन राजस्थानी, एक मध्य राजस्थानी, एक अर्वाचीन राजस्थानी। गुजर अपभ्रंश का जो समय है वो 11वीं से 13वीं शताब्दी का माना गया, प्राचीन राजस्थानी का समय 13वीं से 16वीं शताब्दी का माना गया, और मध्य राजस्थानी का समय 16वीं से 18वीं शताब्दी का माना गया, और अर्वाचीन राजस्थानी यानी 18वीं से अब तक। दोस्तों इससे आगे और भाषा बोली से रिलेटेड जो भी बातें हैं वो अपन करेंगे अगले वीडियो में, नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद।